पालम्स मेरा ट्रैम स्टेशन के बाद इसका नाम है गेटवे स्टेशन। यहाँ से हमें मोनो रेल मिलेगी आगे पालम जुमेरा जाने के लिए। वापस आने के लिए भी अगर टिकट लेनी है तो आपको 30 दिरहम देने होंगे। तो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर जा रहा हूँ, तो हमने टिकट चेंज कर लिया, तो आगे चलते हैं। थैंक यू बाय बाय। फर्स्ट फ्लोर ऐसे शॉप्स वगैरह दिखेंगे आपको, शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग तो खैर भाई मैं तो क्या करूँगा फिर अपनी यहाँ पर। गुड आफ्टरनून टू ऑल, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पालम जुमेरा में। आपने देखा होगा दुबई में समंदर के बीच एक पालम ट्री जैसा बना हुआ है, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। और मैं फ़िलहाल अभी हूँ मरीना दुबई में मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से हमें लेनी होगी ट्रैम पालम जुमेरा जाने के लिए। तो चलो अभी चलते हैं, आपको ट्रैम में सफ़र करवाते हैं और चलते हैं पालम जुमेरा में। दुबई मरीना से हमें छोटी ट्रैम मिलेगी और जो हमें छोड़ेगी पालम जुमेरा में, और वहाँ से हमें लेनी होगी एक मोनोरेल, और मोनोरेल लेकर जाना होगा आगे। आप देख सकते हैं ये मैप है, और अभी हमें यहाँ पर पाइपर दुबई मरीना, और यहाँ से चलकर हमें जाना होगा 9 नंबर स्टॉप पर पालम जुमेरा। मेट्रो में और ट्रैम में आपको गोल्ड क्लास एक कैबिन मिल जाएगा, उसके अलग से कार्ड बनेगा अगर आप बनाना चाहते हैं। दूसरा वो आप मेरे पीछे कैबिन है, अच्छी सीट होती है, उसके हमको वहाँ पर बैठने के लिए सीट। मेरा नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है, तो मोस्टली आपको कैबिन में बैठने की सीट मिल जाएगी। जो दूसरी कैबिन होते हैं आपने देखा होगा बहुत भीड़ रहती है उसमें, ज़्यादातर रेड लाइन पे। तो नेक्स्ट स्टेशन आ गया, यहाँ से मुझे उतरना होगा और यहाँ से लेनी होगी मुझे मोनो रेल, छोटी रेल है जो, वो लेकर जाना होगा पालम जुमेरा में। पालम जुमेरा ट्रैम स्टेशन के बाद इसका नाम है गेटवे स्टेशन। यहाँ से हमें मोनो रेल मिलेगी आगे पालम जुमेरा जाने के लिए, और यहाँ से हमें परचेज करनी होगी एक अलग से टिकट। ये पालम जुमेरा का मैप है और ये टिकट प्राइस है। अगर आप गेटवे अल जो ये लिथान पार्क में जाना है तो 10 दिरहम लगेंगे आपके यहाँ तक जाने के लिए, और वापस आने के लिए टिकट करनी है तो आपको 15 दिरहम देने पड़ेंगे। और निखिल माल तक जाना है इस पॉइंट पे तो आपको वन वे के लिए 10 दिरहम देने पड़ेंगे, अप एंड डाउन के लिए 15 दिरहम। और अगर आपने लास्ट इस पॉइंट पे जाना है तो उसके लिए आपको 20 दिरहम वन साइड, और वापस आने के लिए भी अगर टिकट लेनी है तो आपको 30 दिरहम देने होंगे। तो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर जा रहा हूँ, तो हमने टिकट चेंज कर लिया, तो अभी चलते हैं। थैंक यू बाय बाय। ओके थैंक यू भाई। जब लास्ट टाइम मैं 2018 में आया था तो यही सेम टिकट मुझे 5 दिरहम में मिली थी, और अब इसके लिए पे करने पड़े हैं 30 दिरहम।
मतलब 25 दिराम ज़्यादा लगे मेरी। खैर मैं कोई ऐसी दूसरी अट्रैक्शन पे नहीं गया हूँ अभी तक जहाँ पर मुझे मेरे पैसे लगे हों, तो अब मैं इतनी दूर तक आया हूँ तो इतना तो बनता ही है कि वहाँ तक जाऊँ और आपको भी वहाँ के नज़ारे ज़रूर दिखाऊँ। पहले तो यार ये पैसे संभाल कर रखते हैं, मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। मोनोरेल ऐसी है दिखने में, और ये वहाँ पर एक होटल है काफ़ी बड़ा और काफ़ी नाम है इसका, मैं नाम भूल गया, आई थिंक इसका नाम पालम ही है। इसी के नाम पर ये ट्रेन किस तरफ चलेगी यार, वो दूसरी तरफ आई आ रखी है, वो वापस आई होगी, आप देख सकते हैं वो सामने ट्रेन आई है, वो उस तरफ से वापस आई है, शायद यही यहाँ आकर रुकेगी। पालम जुमेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मोनोरेल राइड अच्छी लगी होगी। 10 मिनट की राइड थी और इसके लिए हमने पे किए हैं इंडिया के 600 रुपये, तो इतने तो यार बनती थे क्या पता हमें दुबई से ही वापस जाना पड़े। बिकॉज ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है। मैं यहाँ से रशिया जाना चाहता था बट कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, मुझे रशिया नहीं, शायद नहीं जा सकूँगा। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, उसमें आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग टू रशिया। फ़िलहाल आप इन्जॉय कीजिए पालम जुमेरा, फिर बाद में बैठकर कहीं पर बात करते हैं और उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, ये है पालम होटल, इसी के अंदर एक्वेरियम्स है, एक्वेरियम्स वैसे हमने दुबई मॉल में भी देखा था, खैर यहाँ पर भी चलते हैं। तो पहले आप लैम्बोर्गिनी देखिए यार, बहुत ब्यूटीफुल कार यार, अभी अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं ये पालम होटल। फर्स्ट फ्लोर ऐसे शॉप्स वगैरह दिखेंगे आपको, शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिंग तो खैर भाई मैं तो क्या करूँगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप करना चाहो तो भाई ज़रूर कर सकते हैं आकर यहाँ पर, मैं तो बस घूमने आया हूँ, आप भी मज़े लीजिए मेरे साथ वीडियो में। पालम जुमेरा के इन दुबई, कोविड के कारण काफ़ी खाली खाली लग रहा है, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी रश होता है, बहुत लोग आते हैं। आपने मोनोरेल में भी देखा तो ज़्यादातर रश नहीं था, बिल्कुल खाली थी रेल। आपने देखा होगा इस साइड ज़्यादातर सारे फॉरेनर्स रहते हैं, जो यूरोप अमेरिका कनाडा से आते हैं, काफ़ी पॉश एरिया है यार ये। और जो बर्दुबई है जिस साइड हम रहते हैं वहाँ पर सारे इंडियंस, पाकिस्तान, बांग्लादेशी सभी लोग वहाँ पर रहते हैं।
सी मैन सी। हाँ ये है यहाँ पर एक्वेरियम, और इसके लिए यहाँ पर आपको टिकट परचेज करनी पड़ेगी। लास्ट टाइम मैं ऐसे ही निकल गया था, मुझे यहाँ पर कोई खड़ा नहीं था ना ही किसी ने रोका था, तो मैं ऐसे ही निकल गया था और वापसी टाइम मुझे पूछने लगे। और बट अभी अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से टिकट लेनी होगी। मे बी हम पूछते हैं, तो अगर आप एक्वेरियम्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 115 यानी कि 115 दिरहम पे करने पड़ेंगे। और यही चीज़ आपने दुबई मॉल में देखी होगी, वहाँ पर जो इसकी टिकट्स थी वो थी 300 दिरहम और यहाँ पर है 115। नहीं भाई मैं अफोर्ड नहीं करता, मैं नहीं लगाऊंगा 115। वहाँ पर दुबई मॉल में हमने देख लिया था। अब और क्या, इतनी ज़्यादा मछलियाँ देखनी, मगर मछलियाँ क्या देखूँगी भाई, आपने क्या यार इतनी ज़्यादा मछलियाँ देख कर छोड़ो, अभी नहीं देखनी हमने मछली 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 मछली। ओह क्या बात है यार भाई, फ्री में तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, फ्री में तो आपको मैं दिखाऊँ भाई। ये लो लो नज़ारे फ्री में एक्वेरियम्स के। और जो दुबई मॉल में टूरिज्म है एक्वेरियम, उसके मुकाबले ये थोड़ा बड़ा है, वो छोटा था, ये काफ़ी बड़ा है। आपने देखा पीछे क्योरियम्स यार, मुझे एक तो ना इसका नाम भी लेना था भाई, क्या नाम है क्या नहीं, क्योरियम्स ही बोलते होंगे आप। मेरी ज़्यादा इंग्लिश पर मत जाना, बस एंजॉय करना इस वीडियो को। तो इसके ऊपर हम जा नहीं सकते क्योंकि ये प्राइवेट एरिया है, यहाँ पर ये होटल है, अगर आपने यहाँ पर होटल बुक किया होगा तो ही आप ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज़ बस नीचे ही आप चिल करें, मज़े लें मेरी तरह और क्या। अच्छा भाई अगर आपको यार हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो यार लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट तो बनते ही है भाई, अच्छा या बुरा जो भी आपको लगे बस आप राइट कर दीजिए कमेंट। क्योंकि कमेंट का जो भी आप कमेंट करते हो उसका रिप्लाई करना मुझे भी अच्छा लगता है, आपके कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है भाई। जो भी आप कमेंट करते हो, चाहे कुछ पूछते हो, अच्छा बोलते हो बुरा बोलते हो कमेंट में, बट एक अंदर से फीलिंग अच्छी वाली आती है कि कोई तो हमारी वीडियो देख रहा है यार। तो थैंक यू टू ऑल जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जो इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने नहीं भी किया हुआ है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर भाई खुशामुद्दीन। वैसे मैं आपको अभी अंदर से खुश बाहर से खुश दिखाई दे रहा हूँगा, बट अंदर से फीलिंग बैड क्यों है वो तो यार मैं आपको खैर
जो रशिया की वीडियोस, रशिया के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इस वीडियो से पहले आ जाएगी, उसे मैं लेट नहीं करूँगा क्योंकि आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये तो आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस वीडियो को आप थोड़ा लेट देखेंगे, पहले मैं आपको रशिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँगा आपके साथ। मैं अभी बाहर धूप है तो अच्छे से ना तो वीडियो आएगी और ना ही मेरी वॉइस क्लियर आपको सुन पाएगी। तो थोड़ी सी वेट करते हैं शाम होने की, उसके बाद शूट करूँगा रशिया की इन्फॉर्मेशन। ये है वाटर पार्क, छोटा सा वाटर पार्क है, इसमें जा सकते हैं और इसमें प्राइवेट बीच है, वहाँ का भी आप आनंद ले सकते हैं। लेकिन सेम भाई, इसके लिए भी आपको टिकट्स देनी होगी, लेनी होगी सॉरी। और आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जब यहाँ तक आने के हमारे 30 दिराम लगे हैं तो इसकी टिकट तो और भी ज़्यादा महंगी होगी। चलो मैं पूछ लेता हूँ, हाउ मच ₹350 350 वाटर पार्क जाने में आपको 350 दिराम पे करने होंगे। इंडिया में कितना होगा? इंडिया में तो हमारा यार वाटर पार्क में 500 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 होगा ना, इतना ही होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। बट अगर आपने यहाँ पर जाना है तो उसके लिए आपको पे करने होंगे 350 दिराम, काफ़ी एक्सपेंसिव है भाई। हेलो, काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो Because we have a tour. This tour will just give general information about properties, payment plan. Our office near Burj Khalifa. Of course, my driver will pick you and drop you back anywhere. It's for free. Okay, but sorry, I'm a traveler tourist. Yeah, it's for you. If you are interested, properties come. We have this tour only for tourists, free, no money. No money. No money. Zero, okay. Zero. I will explain for you. Come. Have a seat. I will explain if you like. Be careful. Be careful. Shit. Because I know sorry. This one. Yeah, sorry. I'll explain if you like. If no, no. Okay. Okay. We are Damac. Damac Properties. Okay. We are selling properties, house, villas, investment in hotels. Our office near Dubai Mall. You know Business Bay. Yeah, Business Bay. Business Bay. Okay. Yeah. There, my driver will pick you there. Okay. Just then someone who speaks English or Indian or any language, he will explain for you what we have offer. If you are interested, you want to check how much, maybe in the future you can buy house. If you are thinking like why not, you want to move here, because now we have a lot of big price. Or maybe you can check like for someone in India, after you go back, like they will ask you how much one bedroom, how much two bedroom, at least you saw. After my driver will drop you anywhere you want to go, your hotel or anywhere. So it's totally free. If you have time, you are interested, we'll come. If not, no. Okay. तो इनका कहना यह है कि ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी लेने में, अपने विला वगैरह लेना हो या घर लेना हो, कोई ऑफिस लेना हो, तो ये आपको फ्री में यहाँ से इनका ड्राइवर आपको लेकर जाएगा और प्रॉपर्टी दिखाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। मैं देखता हूँ फ़िलहाल, अभी तो मुझे यहाँ पर घूमना है। अगर मुझे जाना हुआ तो मैं इनके पास आ जाऊँगा, देन फिर हम चलेंगे। Okay, I will go there. Well, my every now of time. Now 5:20. The driver will be here like 5:40. Yeah, but please don't go somewhere else because I ordered the driver. Once I order the driver, he will pick you from here. Okay. It's GMC car, sanitizer, clean. We'll pick you after, like it will be around half an hour maybe in the office. After the driver drop you anywhere you want to go. Okay. I'll just take your mobile. 95. India or here? India. 0091. Yeah. 95. Uh huh. 92. Good name, sir. Brinder. B A R. Sorry. B A R. I N. I N. D E. R
एंड स्पेस सिंह, लास्ट नेम इज सिंह, या मिस्टर सिंह. ओके, माय नेम इज यूसरा. ओके, यस, आई विल बी वेटिंग फॉर यू 20 मिनट्स. हैव अ राउंड इफ यू डोंट वांट, प्लीज हैव अ सीट हियर. The driver on the way, don't go somewhere. Okay. Actually, don't go actually, I shoot a movie on the other side. So, I come back in 20 minutes? Yes, yeah. 20 minutes. But don't be late. Yeah, yeah, sure, sure. Okay. Thank you so much. Thank you. Don't go Thank somewhere. You. I'll wait, huh? Yeah. Don't go far. Okay, okay, okay. तो इनका कहना यह है कि ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं दुबई में. इनका ड्राइवर यहाँ से आकर लेकर जाएगा हमें, और यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ है. बिजनेस के लिए आपको स्पेस चाहिए या घर के लिए चाहिए तो आप इनके साथ जाकर देख सकते हैं. खैर, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, और फिलहाल मुझे यहाँ पर शूट करना है. ये 20 मिनट में बोल रहे हैं कि 20 मिनट में इनका ड्राइवर आएगा, तो खैर मुझे क्या करना जाकर यार. ठीक है ना, चलते हैं बाहर, चलते हैं थोड़ा बाहर घूमते हैं. अच्छा, तो जो भी बात हमारी अंदर उन मोहतरमा से हुई जो हमें प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे थे, तो अगर आप सिंगल साइड टिकट लेकर आना चाहते हैं यहाँ से, तो आकर इनसे मिलें, क्योंकि इनका ड्राइवर तो आपको भाई छोड़ ही देगा ना बाहर. तो आप एक साइड के पैसे बचा सकते हैं अपने अपने टिकट्स के. पूछ लेना ज़रूर कि बाद में कहीं पैसे ना मांगने लग जाएं. खैर, उन्होंने मुझे तो यही बोला कि इट इज़ टोटली फ्री, नो कॉस्ट. ठीक है, ये है पालम होटल, इसी के नाम पर पालम जुमेरा का नाम पड़ा है. और यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. वही यार, थोड़े से यहाँ पर महंगा है. अगर वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे या फिर आप जो ये क्या कहते हैं क्रूज़ वगैरह की सवारी करनी है, वो आपको थोड़ी महंगी लगेगी. गर्मी बहुत है यार भाई, आज दो दिन यहाँ पर अच्छे खासे निकले क्योंकि बादल हो रखे थे आसमान पर. बारिश खैर नहीं आई, बट थोड़े बादल थे, तो इसलिए जो ये हवा चलती है वो ठंडी ठंडी लग रही थी, इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी. बट अब गर्मी थोड़ी लग रही है यहाँ पर. शामा पै गया ने, ते अपना काम भी हो गया ही, ते हुण आपां चलदे आं घर वापिस. और भाई ये डोर कहाँ से खुलेगा? थैंक यू. तो चलो अभी चलते हैं हम वापस घर. आज का दिन हमारा निकल गया. कल है 19 मार्च और आपको वीडियो पता नहीं है कब देखने को मिलेगी. आई होप कि आपको हमारी आज की पालम जुमेरा की वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड राइट ऑन अच्छे अच्छे कमेंट. और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे. तो अब चलते हैं घर वापस. आज का दिन और आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करके, कल नए दिन की शुरुआत नई जगह से फिर से करेंगे और आपको मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.